आदरणीय श्री राजनाथ जी, आदरणीय भाजपा जी, आदरणीय श्री रामलाल जी, मेरे बहुत ही नजदीकी दोस्त है नकवी साहब, शालावाल जी, डॉक्टर जैन साहब मंच पर बैठे हुए पार्टी के प्रमुख नेतागण और दोस्तों, चुनाव से पहले अल्पसंख्यक मोर्चा, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के कुछ प्रमुख कार्यकर्ताओं का यह सम्मेलन हुआ। सम्मेलन उस वक्त हो रहा है कि जब उम्मीदवार तय करने की प्रक्रिया अब आरंभ होने वाली है और शायद हफ्ते 10 दिन के अंदर चुनाव का नोटिफिकेशन किया जाएगा। हम लोगों ने बहुत चुनाव देखे हैं, लेकिन अकेले लड़ते हुए भी भारतीय जनता पार्टी की इतनी मजबूत स्थिति चुनाव अभियान आरंभ होने से पहले होगी, शायद इतिहास में पहले ऐसी स्थिति हम लोगों ने। जब 13 सितंबर को मोदी जी का नाम घोषित हुआ प्रधानमंत्री पद के लिए और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह जी ने सबको चर्चा करने के बाद फैसला किया, तो हमारे आलोचक ये कहते थे कि शायद आपकी पार्टी अलग थलग हो जाएगी, आइसोलेट हो जाएगी, आपके साथ कोई चुनाव में साथ देना इसके लिए तैयार नहीं होगा। मेरा स्वयं का यह मानना था कि सच्चाई इसकी उल्टी थी। भारतीय जनता पार्टी अगर कमजोर रहती है तो कोई साथी नहीं मिलेगा, खुद अपने दम पर मजबूत होती है तो चुनाव से पहले भी और बाद में भी बहुत साथी आने को तैयार होंगे। और पिछले 5 महीने में हम लोगों ने जो नजारा देखा है इस देश के अंदर, शायद पिछले 20-25 सालों में आज तक ऐसा नहीं। 1998 और 1999 के चुनावों में श्रद्धेय अटल जी के प्रति एक चर्चा थी कि देश में सबसे ऊंचे कद के राजनीतिक नेता है और इसलिए बहुत लोग उनको सुनने आया करते थे, उनके भाषण का एक आकर्षण रहता था। लेकिन इस तरह की भीड़ मैंने पिछले 2 दशकों के चुनाव में बहुत कम देखी है। जब मोदी जी और श्रद्धेय राजनाथ जी देश भर में घूमकर हर प्रांतीय स्तर के ऊपर जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं तो जैसे तूफान उभर कर आ रहा, ये तो स्वाभाविक दिखता था कि उत्तर भारत में, मध्य भारत में, पश्चिमी भारत के राज्यों में, पूर्व में बिहार तक, दक्षिण में कर्नाटक तक, जहां हमारी पार्टी का समर्थन है वहां बहुत लोग सुनने आएंगे। लेकिन उन प्रांतों में जहां पार्टी बहुत मजबूत नहीं थी वहां लाखों की संख्या में लोग क्यों आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं? ये जो भीड़ आ रही है ये एक संकेत लेकर आ रही है, एक संदेश लेकर आ रही है।
और जिसने इस संदेश का अर्थ नहीं समझा वो शायद इस चुनाव के प्रभाव में बह जाएगा। मुझे याद है कि जब ये भारतीय जनता पार्टी को अलग थलग करने की बात सुझाव लोग देते थे तो मुझसे किसी ने कहा कि आप आइसोलेट तो नहीं हो जाओगे, तो मैंने एक शब्द उसी के जवाब में दिया कि शायद मैजेस्टिक आइसोलेशन हो, अकेले हो पर उसमें जनता का बहुत समर्थन हो। इतना समर्थन मिलेगा ये कल्पना हम लोगों को भी नहीं थी। और आज जब चुनाव के संकेत आ रहे हैं, हमारी अपनी ताकत बढ़ रही है, तो हमारे जो दूसरे खेमे हैं, विरोधियों के खेमे हैं, वहां एक पैनिक की स्थिति है, एक चिंता की स्थिति है। इतिहास में सबसे अधिक संख्या पे हम लोग अपनी ताकत की पहुंच पाए और कांग्रेस अपनी सबसे कमजोर संख्या पर पहुंच जाए। कांग्रेस की सबसे कम सीट इतिहास में 99 के चुनाव में आई थी 112, और आज लगता है कि कांग्रेस 3 अंकों तक में भी ना पहुंच पाए, डबल डिजिट में रह जाए। मुझे कुछ दिन पहले किसी ने पूछा कि सरकार किसकी बनेगी, मन का इन सब आंकड़ों को जोड़ दीजिए, एक तीसरा मोर्चा भी बन रहा है, एक चौथा मोर्चा भी बन रहा है। एक के नेता की 15 सीट होगी तो दूसरे के नेता की 20-22 सीट होगी। कांग्रेस 2 आंकड़ों में होगी, एक पार्टी 200 से ऊपर होगी, तो 272 पहुंचने की क्षमता 20-22 वाले की है, 60-70 वाले की है कि 200-250 वाले की। इसमें राजनीति की केमिस्ट्री को भी समझ लें और सरल गणित को भी, अरिथमेटिक को भी समझ लें। एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी हमारी पार्टी की प्रतीक्षा कर रही है और इसके पीछे कारण बड़ा स्पष्ट है। पिछले 5-10 सालों में इस देश को नेतृत्व नहीं मिला। इस नेतृत्वहीनता के खिलाफ एक इच्छा जनता में जाग रही है कि किसी तरीके से एक मजबूत नेतृत्व इस देश की जनता को मिले। देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल बिगड़ चुकी है, भ्रष्टाचार चरण सीमा पर पहुंच चुका है, सुरक्षा को लेकर देश के अंदर चिंता है और इसलिए व्यापक परिवर्तन की लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस संदेश को लेकर निश्चित रूप से आप जनता के बीच में जाएंगे। मुझे अभी बताया गया कि लगभग 1000 तक कार्य प्रोग्राम अल्पसंख्यक वर्ग के पूरे देश भर में करने की आपकी योजना है। हमें इस वक्त आज जरूरत है कि अल्पसंख्यक वर्ग में भी हम नेतृत्व को किसी प्रकार से पैदा करें और मजबूत नेतृत्व को पैदा करें। आप देश भर के अंदर समर्थन जुटाइए और वहां लीडरशिप क्रिएट करना, पार्टी का नेतृत्व और आप मिलकर जब करेंगे तो निश्चित रूप से हमें समर्थन मिलेगा। जहां जहां हमने पहल की है वहां वहां हमें समर्थन भी खूब मिला है और सबसे बड़ा इसका उदाहरण हाल का राजस्थान असेंबली का चुनाव है। हमने अच्छी मात्रा में अपनी क्षमता के मुताबिक सीटें दी,
और हमें अच्छा वोट मिला। आज 4 अल्पसंख्यक विधायक है राजस्थान की विधानसभा में, 2 सिख भाई है, 2 मुस्लिम भाई है, चारों हमारी पार्टी है। कांग्रेस एक को नहीं जिता पाई। तो जहां जहां सीट देकर हमने पहल की है वहां वहां हमें रिस्पांस भी अच्छा मिला है, और इसका जो संदेश है, जो यहां हम लोग मंच के ऊपर बैठे हैं, जो आप यहां इस सभाघर में बैठे हैं, हम दोनों को यह संदेश समझ लेना चाहिए कि उस वर्ग में काम खड़ा करने के लिए नेता और नीति दोनों की जरूरत है। नेता की तो मैंने संकेत दिया, नीतियों में भी विशेष रूप से मैं उस दिन मोदी जी का भाषण सुन रहा था पश्चिम उत्तर प्रदेश में, वहां जाकर आज के माहौल में ये कहना कि 10 साल में जिस तरीके से हमने गुजरात को दंगा मुक्त करने की कोशिश की और हम सफल हो गए, चाहे कि इतिहास बहुत खराब था, वहां उत्तर प्रदेश को भी बनाए, मुझे लगता है कि हम लोगों को खुलकर कहना चाहिए सब नेताओं को कार्यकर्ताओं को कि इस देश को हर तरीके से दंगा मुक्त बनाने का हम लोग प्रयास करें। सुरक्षा, सिक्योरिटी, बराबरी और आर्थिक विकास, और आर्थिक विकास के साथ साथ हर कौम का विकास हो, हर वर्ग का विकास हो, ये जो भारतीय जनता पार्टी की नीति है इसको लेकर हम अपने समाज के अंदर जाएं, और बराबरी के पहलू को लेकर कि वोट बैंक की राजनीति हम नहीं करेंगे, हर एक को बराबर का मतदाता मानेंगे, बराबर का नागरिक मानेंगे, और हर एक को नागरिक की हैसियत में और इस देश के वफादार नागरिक की हैसियत में अब वोट मांगने का प्रयास करेंगे, केवल वोट बैंक के मुद्दे उठाकर उसको मांगने का प्रयास नहीं करेंगे। इस संदेश को लेकर हम जाएंगे तो इस बार जो एक तूफान हमारी पार्टी के पक्ष में खड़ा है, इतना बड़ा जनसमूह जो पार्टी के पक्ष में खड़ा है, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी सफलता होगी हम लोगों की। और इसी चुनाव के मौके पर एक अवसर होता है एक नेतृत्व लीडरशिप को खड़ा करने का, उसका भी एक प्रयास हम लोग अगर करते हैं तो निश्चित रूप से एक अच्छे माहौल के अंदर हम एक नई शुरुआत और एक बहुत अच्छी शुरुआत कर पाएंगे। आप लोगों ने मुझे इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने को बुलाया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और बाद में शायद